Hello everyone. In our last video, we have discussed about the factorization method. Today in this video, we are going to discuss about the completing square method. So first of all, we are going to take an example. So the first example is x square minus x minus 20 is equals to 0, or it's x square plus x minus 20 is equals to 0. This was the equation. Now, first of all, if we want to solve this problem by factorization method, then we have the first step is the equation should be in the standard form. Means the standard quadratic form of equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is a this equation is in the standard form of quadratic equation. Now what we are going to do here, first of all, agar hame is problem ko solve karna hai to hame uske quadratic equation ke standard form mein equation ko write karna hai. जो एज इट इज दी हुई है, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, तो जो कोएफिशिएंट है एक्स का, मींस जो एक्स का कोएफिशिएंट है उस नंबर को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे. मींस यहां पर कोएफिशिएंट कितना है एक्स का, तो 1 है, पॉजिटिव 1. सो 1 × 1/2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे. ये सेकेंड स्टेज है. फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. सेकंड स्टेज होती है कि हमें उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है एक्स के कोएफिशिएंट को. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये स्टेप हम कब परफॉर्म करते हैं, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 करके लेना होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन देम. ओके, नाउ सी हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन इट इज 1/2 bracket square is equals to 1/4. So we get 1/4. So we are going to add 1/4 and we are going to subtract 1/4. So plus 1/4 and minus 1/4, as it is minus 20 is equals to 0. Now we are going to simplify the equation. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज राइट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये इक्वेशन को हम एज इट इज राइट करते हैं. और ये माइनस 1/4 है, अगर हम इसे इक्वल टू साइन के उधर शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा, एंड सेम एज इट इज माइनस 20 को शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव 20 हो जाएगा, प्लस 20. ओके, नाउ अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता है कि ये कौन सा फॉर्म है. अगर ये प्लस है तो मीन्स पॉजिटिव साइन आएगी. जैसे कि अगर हम इसे स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये एक इक्वेशन होगा, एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. मीन्स अगर हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मीन्स अगर ए की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 कितना है एक्स, 1/2, बी की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. मीन्स एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 गेट कैंसल, एक्स प्लस 1/4. मीन्स ये जो वैल्यू थी एज इट इज, ये वैल्यू को हम डायरेक्टली ये फॉर्म में राइट करते हैं. सो वी गेट हियर द टर्म एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. मीन्स ये टर्म को हम स्क्वायर फॉर्म में राइट करते हैं और ये टर्म एज इट इज होंगी, 1/4 प्लस
20. अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है. एलसीएम मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो उस टर्म के नंबर्स से में से सभी नंबर्स में आता है. सो वी आर गोइंग टू टेक एन एलसीएम. सो द एलसीएम इज 1 × 1 + 4 × 20 / 4. ओके, सो 1 × 1 = 1, 4 × 20 = 80 प्लस 80/4. सो यह सी 81 + 1 = 81/4. एंड एज इट इज वी आर गोइंग टू राइट x + 1/2 (square) एंड x + 1/2 (square). नाउ सी यह इफ यू आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड मीन्स दोनों इज इक्वल्स टू साइन के तरह हम स्क्वायर रूट की साइन लेते हैं. स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, देन व्हाट हैपन, x + 1/2 = 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो 9 and 2. बट अगर हम देखते हैं प्लस प्लस का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है. मीन्स वी हैव टू चांसेस, x + 1/2 = +9/2 or -9/2. सो वी आर गोइंग टू राइट प्लस और माइनस. मीन्स यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलते हैं. मीन्स यहाँ पर जो 1/2 है वहां पर जाकर सब्सट्रैक्ट होगा. सेम कंडीशन -1/2, बट एक बार 9 + (sorry, +9/2) or x = -1/2 - 9/2. सो व्हाट हैपेंस हियर, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सो एडिशन होगी न्यूमरेटर की. x (9 - 1) = 8/2 और -1 - 9 = -10. सो x = -10/2. अगेन इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 5 = 10. मीन्स आवर आंसर इज x = 4 और x = -5. सो द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x = 4 और x = -5. सो दिस वॉज अबाउट द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज x² + 2x - 5 = 0. सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टर्म, the coefficient of x. So the coefficient of x is 2 × 1/2 (square). This is the rule to solve the completing square method. Now हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 × 1/2, because 2 यहाँ पर x का coefficient है. So हम उसे x के coefficient को 1/2 से multiply करके उसका complete bracket square लेते हैं. So 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2. The remaining part is 1 (square) = 1. Now, second stage हमारी क्या होती है कि जो हमारा number आता है coefficient के multiplication और squaring के बाद, हम उसे दोनों side add करते हैं, या फिर एक बार add या फिर एक बार subtract करते हैं. So we are going to write here the term x² + 2x + 1 - 1 - 5 = 0. अगर हम ब्रैकेट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है, अगर हम ये टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पे ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है कि x² + 2x + 1 = x + 1 (square). यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, x + 1 (square) = -1, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और -5 भी वहां पर शिफ्ट हो जाएगा. सो -1 = +1 + 5, देन x + 1
ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. अभी हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट. अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू इन रूट 6 प्लस और माइनस इन रूट 6. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 6 एंड और एल्स x इज इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस और एल्स माइनस 1 माइनस रूट 6. सो व्हाट हैपेंस हियर, माइनस 1 प्लस रूट 6 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 6, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 6 इज इक्वल्स टू प्लस रूट 6. सो वी गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू the roots of given quadratic equation is x is equals to minus root 6 or x is equals to plus root 6. Okay, now we are going to discuss about the third question. Yeah, the third question is m square minus 5m is equals to minus 3. The first stage to solve the completing square method is we have to write it in a standard form of quadratic equation. पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ सी या एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 वी आर गोइंग टू शिफ्ट इट हियर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो हमने यहां पर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू लिख लिया है. नाउ द टर्म ऑफ m इज माइनस 5. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, according to rule 1/2 into minus 5 bracket square. So hamara answer hoga minus 5 upon 2 is equals to bracket square is equals to 25 upon 4. So hame term yahan par kya milti hai, 25 upon 4. So abhi hum yahan pe equation mein write karte hain m square minus 5m as it is plus 25 upon 4 and minus 25 upon 4 plus 3 is equals to 0. Okay, now here see we have to understand here m square, but the equation have the minus sign. So m minus 5 by 4 means 5 by 2 bracket square, then minus 25 upon 4 remaining term plus 3 is equals to 0. Now what happens here, we are going to shift these terms over there. So see here, m minus 5 by 2 bracket square is equals to minus 25 by 4. So we are going to write plus 25 by 4 plus 3, then it becomes minus 3. Now see here, we are going to solve this term. 4 threes are 12. We are going to multiply 4 by 3. M minus 5 by 2 bracket square is equals to, we are going to write here 25 upon 4. But minus 3 into 4. So 4 threes are 12. We get here 25 minus 12 upon 4. So 25 minus 12 is equals to 13, because we know 12 plus 12 is equals to 24. Then if we are going to minus 12 from 25, then it will be 13 by 4. M minus 5 by 2 bracket square, M minus 5 by 2 bracket square. Now if we are going to taking square root both the side, means we are going to take a square root both the side, taking square root both the sides, then we get the term m minus 5 by 2 is equals to root
plus minus root 13 by 2. Okay. Now we are going to write here the term separately. M is equals to plus 5 by 2 or M is equals to plus 5 by 2. But here plus root 13 by 2 minus root 13 by 2. If you are going to solve here, so see M is equals to plus 5 plus root 13 by 2 or M is equals to 5 minus root 13 by 2. So the roots of given quadratic equation is 5 plus root 13 divided by 2 or else M is equals to 5 minus root 13 divided by 2. So in this manner we have discussed total 3 questions from practice set 2.3. In our next video we are going to discuss next 3 questions which is from practice set 2.3. So thank you friends for watching my video.